हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं फेशियल सोप, जिससे आप फेशियल भी कर सकते हो और नहा भी सकते हो। और ये इसका रिजल्ट एकदम बहुत ही अच्छा आता है। और ये सोप बेस है, इसको मैंने ऑनलाइन परचेस किया है। आप चाहे तो अपने आसपास में जो ग्रॉसरी शॉप रहती है वहाँ पे भी मिलता है, जनरल स्टोर पे भी ये मिलता है। और ये मतलब 200 रुपये तक का किलो में मिलता है। आप चाहे तो आपके पास में कोई सोप रहेगा उससे भी सोप बना सकते हो, मगर ये जो सोप बेस आता है ये बहुत ही अच्छा आता है और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। तो चलो हम सोप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक प्लेट लिया है और ये सोप बेस लिया है, और ये सोप बेस एकदम पतले पतले मिले हैं मुझे। कोई सोप बेस थोड़ा मोटा भी आता है, तो इसको हमें पहले प्लेट में रख लेते हैं और इसको हम चाकू की सहायता से छोटे टुकड़े काट लेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हो, मगर थोड़ा जल्दी में काम करना है तो ऐसे इस तरीके से छोटे टुकड़े काटेंगे तो हमारा काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मैं तो हमेशा घर के अंदर में ये वाला ही सोप बेस यूज करती हूँ और ऐसे ही सोप बना के, अलग अलग तरीके के सोप बना के यूज करती हूँ। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस बार मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूं, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। देखो ये इस तरीके से टुकड़े हो गए। मैंने ये पानी गर्म होने के लिए रखा है, इसको हम थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही गर्म करेंगे, ज़्यादा पानी गर्म नहीं करना है। और एक इस तरीके का कटोरी लिया है, उसके अंदर में हम सोप बेस को डाल देंगे। और इसको बनाना बहुत आसान है और ये इतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अब इसको धीरे से गर्म पानी में रख देंगे। गर्म पानी में रखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना ताकि हाथ पे पानी लगे नहीं, और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मेल्ट होने देना है। और मैंने ग्रीन टी लिया है और ये भी हमारी स्किन के लिए अच्छी होती है। वैसे तो आप ग्रीन टी का जो शेशे आता है वो भी यूज कर सकते हो। इसको मैंने 1.5 चम्मच डाला है और ये सोप बेस है, बहुत ही जल्दी बन जाता है क्योंकि इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप एक बार बना लो और पूरे महीने भर इसको यूज करो। और मैंने एक इस तरीके का कंटेनर लिया है, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो। मैंने एक ऐसे खाली डब्बा था उसको लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। आप चाहे तो इसमें वैसलीन भी लगा सकते हो। कंटेनर के अंदर में थोड़ा ऑयल लगाने से जो हमारा सोप रहेगा वो जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो ये मैंने सब जगह पर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और ये सोप है बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि जो मार्केट में सोप मिलते हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं। देखो ये इस तरीके से मेल्ट हो गया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसको हम इस कंटेनर के अंदर में डाल देंगे। वैसे तो ग्रीन टी होती है ना, वो जो हमारी स्किन रहती है उसके लिए बहुत ही फायदाकारक होती है और इससे हमारी स्किन एकदम ताज़ा और हेल्दी रहती है। तो चलो अभी हम इसका दूसरा बना लेते हैं। तो दूसरी बार का एक लेयर और डालेंगे इसके ऊपर में। हम 3 लेयर वाला सोप बना रहे हैं, तो इसको भी हम जैसे पहले वाले में कट किया था इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। और ये सोप रहता है ना, जो कि हमारे स्किन के ऊपर कुछ पिंपल रहते हैं और कुछ भी फोड़े फुंसी रहती है उसमें भी बहुत ही फायदा करता है और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको हमने एक बाउल के अंदर में ऐसे फिर से डाल लिया, जिस बाउल में बनाया था उसी में। और देखो ये कट के तैयार हो गया और ये कितना सुंदर दिख रहा है। और इसके अंदर हम मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, ये भी हमारी स्किन के लिए अच्छी है। आप सब लोगों को पता ही है कि मुल्तानी मिट्टी स्किन को कितना फ़ायदा देती है। तो मैंने 2 चम्मच डाला है और 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर में। तो क्या रहता है कि जो मुल्तानी मिट्टी रहती है ना, तो जैसे आप फेस पैक वगैरह लगाते हो उससे अच्छा जैसे हम स्किन के अंदर में साबुन के साथ में उपयोग में लेते हैं तो और अच्छा रिजल्ट देती है। और ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मेल्ट कर लेना है, बस आपको 2-3 मिनट ही करना है, फटाफट मेल्ट हो जाता है। अभी जो हमने पहला वाला एक लेयर बनाया था वो एकदम जम गया है और ये जल्दी से जम जाता है। अभी इसके ऊपर में हम ये दूसरी लेयर डालेंगे मुल्तानी मिट्टी वाली। पहली वाली जो लेयर थी वो हमारी ग्रीन टी की थी, अब ये मुल्तानी मिट्टी की लेयर है। और इसको हमने फ्रिज के अंदर में रखा है थोड़ी देर के लिए, और तब तक हम दूसरा वाला एक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने सेम प्रोसेस किया है जो पहले 2 में करा था। वैसे सोप बेस को काट लिया और उसी बाउल के अंदर में डाल दिया है। और ये मैंने चारकोल लिया है, और चारकोल जो नारियल रहता है ना उसको मैंने जलाया था और उसके ऊपर का जो छिलका रहता है उसको तोड़ के मैंने चारकोल बनाया है। और
और चारकोल इसके अंदर में डाल देंगे। चारकोल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आजकल तो चारकोल मास्क मिलते हैं मार्केट में और वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आप इस तरीके का सोप में उपयोग करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो कोकोनट से चारकोल बनता है ना, उसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आपको एक नारियल लेके आना है और उसको गैस के ऊपर में रख देना है। नारियल पूरा ऊपर से जल जाएगा, जो उसके ऊपर का शेल रहता है ना नारियल का, जो कड़क वाला छिलका रहता है, ऊपर के जो छिलके रहते हैं उसको हटा देना है। जो कड़क वाला रहता है नारियल का, उसी का ही चारकोल बनाना है। जब नारियल ठंडा हो जाएगा तो उसको मिक्सी में डाल के पीस लीजिए, तो आपका चारकोल बन के तैयार हो जाएगा। और ये हमारा जो पहला बेस था उसको हमने फ्रिज में रखा था, ये जम गया है। अभी ये हमारा चारकोल वाला एक लेयर तैयार हो गई है, इसको भी हम इसके ऊपर में ऐसे डाल देंगे। तो ये सोप बनने के बाद इतना सुंदर दिखता है, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। हम इसको थोड़ा ऐसा बाहर कर लेते हैं, डीमोल्ड कर लेंगे इसको, और ये बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। देखो ये निकल गया अच्छे से, और ये बनने के बाद में बहुत ही सुंदर दिखता है। अगर मार्केट में आप इस तरीके के सोप खरीदोगे तो बहुत महंगा मिलेगा, और घर में बहुत कम पैसों में बनके तैयार हो जाता है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग मेरी इस वाली जो सोप बॉयज की रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करना और इसको बना के देखना इसका रिजल्ट कैसा आता है, फिर मुझे कमेंट करके बताना। और अभी हम इसको बीच में से ऐसा कट कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो इसके टोटल हमारे 4 सोप बनेंगे। देखो ये बीच में से भी कितना सुंदर दिख रहा है। मेरा ये सोप आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर मेरी ये सोप बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर देना। उससे हमें पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी चैनल पर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। और मेरे जो बेल आइकन है उसको भी एक बार दबा देना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू। अभी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।